गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। पिछली क्लास में हमने महादेवी वर्मा की कहानी लिखी नीलू पढ़ा। आइए देखते हैं नीलू का आगे का भाग। पीले और काले रंगों के मिलने से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छांव हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छांव में दूसरों की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल पूंछ अल्सेशियन कुत्तों के पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी नाखूनों से युक्त थी। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था जो धूप में तरह सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधुसा पारदर्शी लगता। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते की दयनीय से रही और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो वह बिना मनाए हुआ मेरे सामने ही ना आता था। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर के बाहरी बरामद ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिका के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वालों की निरीक्षण करता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देख कर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र का उपस्थिति की सूचना था। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत ही वह पुनः अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उसके कुछ कहना भाषा जानने वालों मनुष्य से बात करने के समान हो जाता। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रहे थे नीलू, तो वह विद्युत गति से चार दीवारी कूद कर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ, कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। हिंसक और क्रोधी भूठे बाप और आखेट प्रिय अर्थात शिकार के प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसके हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसके किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं सब देखने वाले के लिए आश्चर्य की घटना थी।